चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। कल शाम चरखी दादरी शहर के एक बड़े अस्पताल जय हिंद हेल्थ केयर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार 3 से 4 घंटे छापेमारी करने के बाद अस्पताल को सील कर देती है। इस अस्पताल को सील करने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि शहर के इतने बड़े अस्पताल पर छापेमारी क्यों की गई है, और अगर छापेमारी हुई है तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि इतने बड़े अस्पताल को तुरंत सील करना पड़ा। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। अखबारों में छपी खबर के अनुसार इलाज में लापरवाही साबित होने पर अस्पताल को सील किया गया है। वहीं शरीर के अंदर गोद छोड़ देने और आयुष्मान कार्ड धारकों से पैसे ऐंठने की शिकायत के बाद सीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे पास तो जो आया है, देखो एक इनका ऑर्डर आया है कि भाई हॉस्पिटल का पंजीकरण रद्द किया जाए। अब इसमें कहीं पर भी वो नहीं लिखा हुआ है कि भाई हॉस्पिटल को सील किया जाए, आवश्यकता अनुसार सील किया जाए, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सनल वेंडेटा। हम कोई नया पेशेंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पेशेंट एडमिटेड हैं, सीरियस पेशेंट्स हैं, उनको भी वी लाइक टू पुट देम इन हॉस्पिटल ओनली, हॉस्पिटल में रहे ताकि हम उनको ट्रीट कर सकें। तो आप लोगों को लेटर दिया गया है, उसमें क्या कुछ लिखा गया? उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल का पंजीकरण को रद्द किया जाए और आवश्यकता अनुसार सील किया जाए। आवश्यकता अनुसार का हमें समझ में नहीं आया क्या मतलब है। कुछ बताया भी गया है कि क्या कुछ यहाँ पर कुछ है? कुछ नहीं हमें बताया गया है, नथिंग रिटन हैज बीन गिवन टू अस। स्वास्थ्य विभाग के ना तो कोई मेल आई है, ना ही कोई हमारे पास हार्ड या सॉफ्ट कॉपी है। जैसे सुनने को मिल रहा है कि पहले की काफ़ी सारी शिकायतें उनको लेकर के जो कार्रवाई की जा रही है। हाँ, वो जो भी होगा दैट इज अ लीगल थिंग, वो जो भी शिकायतें हैं उसका जो भी तरीका है वो उसको फॉलो किया जाएगा। वो जो गवर्नमेंट ऑफिस अपने तरीके से फॉलो करेगी उसको, तो जो भी अनियमितता मिलेंगी उसको सुधारा जाएगा। तो जो अभी ये जो प्रोसेस हो रहा है आप इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, उसका विरोध कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग इन राइटिंग। इस बात का बड़ा सदमा है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 20-25 पेशेंट एडमिट थे, सबको बिना बताए शिफ्ट कर दिया। तो आईएमए जो है इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेगी? आईएमए वी आर लुकिंग फॉर द कॉज, हमें कारण तो पता चले, हमें एक्चुअल में लिखित तो पता चले हो क्या रहा है। अब वी आर स्टंड, हम बिल्कुल लॉस्ट हैं कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। टीम कुछ नहीं बता रही इस बार, टीम कुछ नहीं बता रही। मेरा नाम बलवंत सिंह है, पूछ रहे हैं अभी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हमें कोई भी चीज़ नहीं बता रही। 3 घंटे से लेटर मांग रहे हैं, कोई लेटर नहीं दे रही, भाई आपको किस वजह से कर रहे हैं? ज़बरदस्ती कोई भी, ये तो कह लो एक धक्के स्याही है, इसको आप सिविलाइज्ड वे की बजाय एक धक्के स्याही में कह लो, इस तरह के पेशेंट्स को, मरीज को आप कर रहे हो इस पोजीशन पे। तो अगर इस पेशेंट्स में किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हॉस्पिटल की बजाय सारे के सारे कह लो ये एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है जो इस टाइप से पेशेंट्स के साथ धक्के स्याही कर रही है। तो अभी क्या सील कर रहे हैं, कैसे क्या बता रहे हैं? सील करने की कह रहे हैं सब। तो कोई आगे आप लोगों की दोबारा कोई कार्रवाई की जाएगी या इनसे कुछ कार्रवाई की आप तो और कुछ डिमांड कर रहे हैं? मैं तो इनसे तो कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं कर रहा, क्या चीज़ें, बाकी जो लीगल प्रोसेस हैं वो हम अपना चालू रखेंगे। इसके अगेंस्ट जो भी ज्यादतियाँ हो रही हैं, इस तरह की धक्केशाही हो रही है, उसके खिलाफ जो भी चीज़ें बनेंगी वो सारे के सारे लीगल एक्शन लेंगे। जो अभी पेशेंट यहाँ पर एडमिट थे उनको कहाँ पर भेजा गया है? अब यही जाने कहाँ पर भेज रहे हैं, कोई आप लोगों को नहीं बताया ना, हमें कोई चीज़ नहीं। कुछ सीरियस पेशेंट भी थे जो आए? कितने पेशेंट को भेजा गया से? हमारे पास कितने पेशेंट? 25 के करीब पेशेंट्स थे, तो उनमें से सारे के सारे इन्होंने किसी को डिस्चार्ज करवा दिया, ज़बरदस्ती किसी को भेज दिया, ये इनका अपना टूर भी हुआ। जैसे कोई और क्या कुछ माहौल को देख के अपने आप भी गए हैं पेशेंट जो है, माहौल को देख के अपने आप भी? नहीं, पेशेंट माहौल को देख के ऐसी कोई चीज़ें नहीं। अभी जो डॉक्टर साहब हैं नरेंद्र जी या डॉक्टर सविता जी के नाम से हॉस्पिटल शायद चल रहा है जी, वो उनको दिखाई नहीं दे रहे, क्या कारण है? डॉक्टर साहब बाहर हैं। तो कोई उनको सूचना दी गई है, कोई बातचीत हुई उनसे भी? हाँ, उनसे बातचीत हुई है। आगे की कार्रवाई हुई? आगे कार्रवाई हुई। हॉस्पिटल के बारे में कई किस्म की शिकायतें थी, पिछले 2 साल से कई किस्म की जाँच चल रही थी, तो अब अलग अलग स्तर पे जांच होने के बाद निर्णय किया गया कि एक लास्ट चेकिंग कर ली जाए, उसमें भी अगर और कमियां मिलती हैं तो इसको आगे कार्रवाई करते हुए सील किया जाए। तो जिसके लिए 2 टीम का आज गठन किया गया था, उन दोनों टीम ने अपना यहाँ पे हॉस्पिटल के अलग अलग पहलुओं का, अलग अलग हिस्सों की जाँच की, कई किस्म की खामियाँ पाई गई, तो इसलिए फिर अब इसको सील कर दिया गया। ये मामला हेडक्वार्टर के पूरे संज्ञान में है, हम लगातार उनको जानकारी देते रहे हैं,
तो ये ऊपर से हमें आदेश था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, किसी पे किसी भी किस्म की नरमी ना की जाए। कई मामले थे, अलग अलग समय पे हमें अलग अलग शिकायतें मिली थी, कुछ ऑपरेशन से संबंधित थे, कुछ कागज़ों से संबंधित थे, कुछ और चीज़ों से संबंधित थे। तो यहाँ जांच के टाइम भी कई किस्म के हमने कई पहलुओं को हमने देखा, तो हमें खामियाँ मिली तो नियमानुसार ये आगे कार्रवाई कर दी। मरीजों को शिफ्टिंग के लिए जो यहाँ के ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे उनको ऑप्शन दी गई थी कि या तो पेशेंट्स को यहाँ सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, जो डिस्चार्ज हो सकते हैं उनको डिस्चार्ज कर दें, बाकियों को PGIMS रोहतक। तो उसमें मरीजों को जैसे ट्रीटिंग डॉक्टर्स ने सूटेबल समझा कर दिया, तो हमने एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। आदेश जो रेलिवेंट आदेश थे सबकी प्रतियां इनको बाकायदा पूरी कार्रवाई करते हुए हैंड ओवर कर दी गई हैं, बाकायदा इनसे साइन वगैरह करा के। क्या निदेशालय की तरफ से आदेश आए थे सर? जी, वहाँ से भी आदेश थे। वहाँ से आदेश थे कि जब भी ऐसे आदेश आते हैं हमें ये कहा जाता है कि मौके पे जाके सारी कार्रवाई जाके देखें, पूरे नियमानुसार अगर कार्रवाई बनती है, जो कार्रवाई बनती है वो करती है। तो महानिदेशालय से हमें इस बारे में क्लियरेंस थी कि अगर सीलिंग की ज़रूरत है तो सीलिंग कर दी जाए। देखिए, अभी फर्स्ट स्टेप पे हमने ये कार्रवाई कर दी है, पूरे रिकॉर्ड की अच्छी तरह से छानबीन की जाएगी, नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो बनेगी। DM पैनलमेंट इसकी आयुष्मान भारत से कुछ समय पहले की जा चुकी है। अब सील जो लगी है सर, किस आधार पर लगाई गई? खामियाँ जो पहले से हमारे संज्ञान में है, जांच में पुष्टि हो चुकी है उनके आधार पे भी, और आज जो खामियां पाई गई हैं उनके आधार पे। जी, 2020 से जैसे मामले चल रहे थे सर, एक पैनल पहले भी बैठा था, उस दौरान में कोई भी कार्रवाइयां नहीं हुई हैं, तो क्या माने, क्या उस दौरान में जो भी अधिकारी रहे थे उनके द्वारा लापरवाही की गई थी? देखिए, जो जाँच हुई है ये टेक्निकल मैटर्स में जाँच कई स्तर पर की जाती है। जब सभी स्तर पे सरकार को ये पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि हाँ एक्शन करना ज़रूरी है, लाजमी है, तभी किया जाता है। कुछ अधिकारियों के सस्पेंशन की भी शायद बात सामने निकल के आ रही है, किसी का सस्पेंशन किया गया सर? जैसा आदेश आएंगे, अभी मेरे संज्ञान में ऐसा फिलहाल नहीं है कि कोई ऑर्डर आए हैं, लेकिन आ सकते हैं। कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर भी कोई डिटेन किया गया है, कोई पुलिस कस्टडी में कोई लिया गया है क्या सर? नहीं जी, फिलहाल तो कोई। तो हॉस्पिटल सील करने का मतलब है कि यहाँ पे काम नहीं होगा, तो जो भी स्टाफ है वो अपना अकॉर्डिंगली देखें। जी।